नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ ये ट्रेसिंग का हमारा आगे का टॉपिक है कि हम लोग आगे ट्रेसिंग के बारे में सीख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो लाइन सप्लाई ट्रैक जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करना सीख रहे थे, आज हम उसी वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। मतलब हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्लेट होती है, इस प्लेट के अंदर जो भी सप्लाई होती है, जिनको हम लोग ट्रैक बोलते हैं, जिनको हम लोग कनेक्टिविटी बोलते हैं, ये सारी कनेक्टिविटी आपस में होती कैसे है। अगर मोबाइल फ़ोन में देखा जाए तो बोर्ड के अंदर जो भी कनेक्टिविटी है वो आपस में इंटरनल कनेक्टिविटी कैसी होती है। अगर देखा जाए कि मैं आपको बात करता हूँ कि जैसे मान लिया ये मोबाइल फ़ोन के अंदर आईसी है, इस मोबाइल फ़ोन में अगर नेटवर्क आ रहे हैं तो कहाँ से होते हुए नेटवर्क आ रहे हैं, कौन से कंपोनेंट से होते हुए आ रहे हैं, इसकी सप्लाई यहाँ से होते हुए कैसे यहाँ तक कंपोनेंट तक पहुँच रही है, इसकी सप्लाई यहाँ से होते हुए किस तरीके से इस आईसी की स्पिन पर जा रही है, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से होते हुए किस तरीके से बैंड पास फिल्टर से होते हुए पीएफओ के अंदर जा रही है। दूसरी बात क्या, इन सब चीज़ों को जो कनेक्टिविटी को जो चेक करने का तरीका है, इन्हीं कनेक्टिविटी को चेक करने को ही हम लोग बोलते हैं ट्रैक चेक करना। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रैक चेक करना। तो आज मैं आपको वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो हमारे मोबाइल फ़ोन में ट्रैक कैसे चेक किया जाएगा या ट्रैक चेक करने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको प्रिंसिपल आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है ये ट्रेसिंग का क्लास है और इस ट्रेसिंग क्लास से संबंधित आपको एक एक करके मोबाइल फ़ोन में आने वाली जो समस्याएं होती हैं, मोबाइल फ़ोन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे रिपेयर किया जाएगा या उनको रिपेयर करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में सीरीज निकाला था कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आती है उनको कैसे रिपेयर किया जाएगा, उसके बारे में मैंने आपको सिखाया। मोबाइल फ़ोन के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पीसीबी के अंदर पार्ट्स क्या लगे होते हैं, कंपोनेंट्स क्या लगे होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको सिखाया। इसमें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने बेसिक का क्लास कम से कम 10-12-15 दिन बेसिक का क्लास किया और बेसिक का क्लास करने के बाद सीधे उन लोगों ने ये सिलेक्ट किया कि मैं ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकता हूँ और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से संबंधित पूरे कंप्लीट कोर्स को सीख सकता हूँ। तो दोस्तों ये सारा वीडियो हम आपको डेमो वीडियो बना करके देते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, ये वीडियो हम उन भाइयों के लिए देते हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग तो कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन वो रिपेयरिंग के नाम पर अभी भी वो आर नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कहीं से सीखा नहीं, उन्होंने अपने मन से ही जहाँ पर मल्टीमीटर पी बजा के देख लेते हैं, जो उनको समझ में आया तो सही है। कई लोग तो ऐसे हैं कि मल्टीमीटर को जब ट्रैक से चेक करते हैं, मेरे पास एक लोग का फ़ोन आया कि जब मल्टीमीटर से किसी ट्रैक को चेक कर रहे हैं तो ट्रैक चेक करने से अगर मल्टीमीटर बीप देने लगता है तो ये नहीं कहते कि ट्रैक सही है ख़राब, वो कहते हैं हमारा मल्टीमीटर सही है। अगर बीप देने से वो ट्रैक को ख़राब सही नहीं काउंट करते, वो अपने मल्टीमीटर को काउंट करते हैं। तो भाई तुम वहाँ पर ट्रैक चेक करने गए हो कि अपना मल्टीमीटर चेक करने गए हो? तो इसी तरीके से बहुत सारे जो नए नए लोग होते हैं वो अपनी उलझनों में ही बने रहते हैं, अपने हिसाब से समझते रहते हैं, अपने हिसाब से पैराग्राफ खींचते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। तो हम लोग जो दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ट्रैक के कनेक्टिविटी का क्या तरीका है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको इस तरीके से टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में आगे, सीखते हैं कि कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन जो ट्रैक होते हैं उन ट्रैक को हम लोग कैसे चेक करते हैं। इजीली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। ट्रैक चेकिंग कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ट्रैक होते हैं उन ट्रैक को हम लोग चेक कैसे करते हैं, ट्रैक चेक करने का तरीका क्या होता है, ट्रैक की कनेक्टिविटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बार ट्रैक चेक करने से पहले मैं आपको बोर्ड में ट्रैक की पहचान कराता हूँ कि मदर बोर्ड में ट्रैक की पहचान कैसे करते हैं, मतलब ट्रैक को फाइंड कैसे करते हैं। भाई किसी भी चीज़ को जब आप चेक तब कर पाएंगे जब उस चीज़ को आप क्या कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। जब तक आप उस चीज़ को मदरबोर्ड में ढूंढ ही नहीं सकते तो उसको चेक करने के लिए बहुत बड़ी दूर की बात होती है। तो मैं आपको कुछ ट्रैक के ऐसे नाम बताता हूँ जो हमारे मोबाइल फ़ोन में, हमारे पीसीबी में, प्लेट में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं टिप्स के रूप में दिए होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ लिखा भी होता है। तो जो कुछ ना कुछ लिखा होता है तो उस लिखा होने से भी हम लोग पहचान जाते हैं कि ये ट्रैक किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का ट्रैक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे
जैसे आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर सबसे पहले जैसे आपका लिखा होता है वी बस, क्या लिखा होता है वी बस या वी सी एच, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ट्रैक में लिखा होता है वी बस या वी सी एच लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है ये हमारा चार्जिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? चार्जिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है, कि मतलब ये कहता चाहता है कि ये मोबाइल फोन में चार्जिंग पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है हमारे मोबाइल फोन में कि चार्जिंग की जब प्रिंट उखड़ जाता है, चार्जिंग का लाइन खराब होता है, चार्जिंग का सप्लाई खराब हो जाता है, तो वहाँ से जम्पर उठा करके हम लोग जो वी सी एच या वी बस का पॉइंट होता है उस पॉइंट पे जम्पर मार देते हैं और हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना पकड़ लेता है, कनेक्ट हो जाता है। तो ये वी बस या वी सी एच का पॉइंट होता है, ये चार्जिंग का पॉइंट होता है। उसके बाद इसी तरीके से गोला बना होता है, उसमें लिखा होता है वी बैट लिखा होता है। वी बैट का मतलब होता है ये हमारा बैटरी कनेक्टर का पॉइंट है। ये हमारा बैटरी कनेक्टर का पॉइंट है। उसके बाद इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो मोबाइल फोन में ऐसा लिखा होता है पी डब्ल्यू आर। पी डब्ल्यू आर का मतलब होता है पावर। ये हमारे मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट है। ऑन ऑफ स्विच जो मोबाइल फोन में चालू बंद करने का काम करता है, ये ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन में अगर ये पॉइंट खराब हो जाता है तो हमारा मोबाइल फोन डेड हो जाता है, तो हम लोग चिमटी के माध्यम से मदरबोर्ड को जब चेक करना होता है तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के जैसे ही हम लोग ग्राउंड पर टच करते हैं तो हमारा मोबाइल फोन फट से ऑन हो जाता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा ऑन ऑफ पत्ता खराब है। तो ये हमारा जो पॉइंट दिया होता है, टेस्टिंग पॉइंट दिए होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, ये ट्रैक पॉइंट होते हैं, आप इनको कुछ भी अपनी भाषा में कह सकते हैं, जिससे हम लोग समझ सकते हैं, रिपेयरिंग करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। उसके बाद फिर हमारा ऐसे पॉइंट दिया होता है और यहाँ पर लिखा होता है डी पी, और एक और पॉइंट होता है जिसमें लिखा होता है डीएम। डीपी का मतलब होता है डाटा प्लस, इसका मतलब होता है डाटा माइनस। ये डाटा प्लस और डाटा माइनस के जो पॉइंट होते हैं इनको हम लोग टीएक्स और आरएक्स नाम से भी जानते हैं। ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर यूएसबी के पॉइंट होते हैं। यूएसबी के जो पॉइंट होते हैं, जो हम लोग मोबाइल फोन में यूएसबी केबल कनेक्ट होते समय या सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करते समय हमको ये बहुत पॉइंट काम आते हैं। अगर ये खराब हो जाते हैं तो मोबाइल फोन यूएसबी से कनेक्ट नहीं होता, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसा पॉइंट हमारे मोबाइल फोन में लिखा होता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला हमारा जो फिफ्थ पॉइंट होता है वो हमारे मोबाइल फोन के अंदर जैसे वी बस है, वी बैट है, पावर है, डीपी डीएम है, उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन में एक वी सिम का भी पॉइंट दिया होता है। ये वी सिम का पॉइंट जो होता है ये सिम की सप्लाई को शो करता है, ये प्रदर्शित करता है कि हमारे सिम के अंदर कौन सी सप्लाई है। उसके बाद हमारे पास मोबाइल फोन के अंदर इस तरीके से तो छोटे छोटे कई सारे और अनगिनत टेस्ट पॉइंट्स बने होते हैं। वो टेस्ट पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन के अंदर ये पहचानते हैं कि कौन सा ट्रैक किसका है, या उस ट्रैक के आइडेंटिफिकेशन से हमको पहचान मिलती है कि हमको रिपेयरिंग करने में बहुत सारी हेल्प मिलती है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो हमको दिए होते हैं। उसके बाद बैटरी कनेक्टर के लिए जो हमारे पॉइंट्स दिए होते हैं वो जैसे आईडी का पॉइंट दिया होता है, ये जितने भी स्मार्टफोन आते हैं स्मार्टफोन में आईडी का पॉइंट दिया होता है, थर्मिस्टर का पॉइंट दिया होता है। इसके माध्यम से आईडी का पॉइंट मतलब होता है ये बैटरी के लेवल को शो करता है, ये टेम्परेचर के लिए यूज होता है।
तो इस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में कई सारे अनगिनत पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग मोबाइल फ़ोन में उस ट्रैक को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि ये ट्रैक किसका है। वैसे जनरली तौर पर देखा जाए कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हमारे जो ट्रैक दिया होता है, जैसे आपका ये वी बस का ट्रैक दिया हुआ है, ये चार्जिंग के लिए है, ये वी बैट का ट्रैक जो दिया हुआ है वो बैटरी के लिए है, ये पावर का ट्रैक दिया हुआ है ये ऑन ऑफ स्विच के लिए, डी पी डी एम का ट्रैक दिया हुआ है डाटा प्लस डाटा माइनस ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है, वी सिम का पॉइंट दिया हुआ है सिम की सप्लाई के लिए दिया, आइडियो थर्मिस्टर पॉइंट दिया है ये बैटरी कनेक्टर के कनेक्टिविटी के पॉइंट्स दिए होते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्सों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी भाषा में ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है कनेक्टिविटी, जो आपस में जो अंदर का इंटरनली कनेक्शन होता है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ट्रैक की अगर हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रैक का मतलब, मैं एक छोटी सी आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि ट्रैक क्या चीज़ होती है। ट्रैक का मतलब होता है, जैसे मान लिया ये हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पीकर लगा हुआ है, ये स्पीकर की जो कनेक्टिविटी होती है वो अपने पर्टिकुलर कहीं ना कहीं कोई आईसी लगी होगी, उस आईसी से इसकी कनेक्टिविटी होती है। लेकिन आईसी से कनेक्टिविटी होने के लिए कंपनी यहाँ से इस तरह से ट्रैक घुमाते हुए, कंपोनेंट्स लगाते हुए, सप्लाई देते हुए, इस तरीके से वो कंपोनेंट की सप्लाई आईसी तक जाती है। तो ये जो बीच का हिस्सा होता है, ये बीच का जो एरिया, जो आपका कनेक्टिविटी का एरिया होता है, इसी एरिया को हम लोग इसकी भाषा में ट्रैक बोला जाता है। ट्रैक बोलते हैं या लाइन बोलते हैं या सप्लाई बोलते हैं या तो वे बोलते हैं, कुछ भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो चेक करने का तरीका होता है, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग चेक करना सीखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो जितने सारे लोग होते हैं जो रिपेयरिंग करने वाले होते हैं, उनको मोटा मोटा तो बहुत आता है, उनको दिखता है ये मोबाइल फ़ोन में ये आईसी है, इस मोबाइल फ़ोन में स्पीकर का पॉइंट है, लेकिन अंदर का जो ट्रैक होता है उस ट्रैक को कभी नहीं चेक कर पाते। अगर कभी अंदर ट्रैक में कोई कंपोनेंट खराब हो गया, उस लाइन में कोई कंपोनेंट शॉर्ट मर गया है, जिस कारण से फ़ोन हमारा ख़राब है, डेड है, लेकिन उस चीज़ को कभी नहीं चेक कर पाते। क्यों नहीं चेक कर पाते? क्योंकि उनको ट्रैक के बारे में अच्छा खासा उनको अनुभव नहीं होता। जब अनुभव नहीं होता तो उन चीज़ों को चेक नहीं कर पाते, अपने मन से इधर उधर हीट मारते रहते हैं, फ़ोन को कुछ सही होते हैं, कुछ खराब होते हैं, बेकार होते हैं, वापस कर देते हैं। और बाद में उनके दिमाग में रहता है, दिल में रहता है, यार हम भी, यार चलो कहीं अगर सीखे होते तो मान लीजिए फ़ोन हमसे वापस ना जाता। अगर उस मोबाइल फ़ोन कहीं दूसरी जगह पर बनवाने जाते हैं, वो मोबाइल फ़ोन जब बन जाता है तो उनको लगता है यार हम नहीं बना पाए, उसने मोबाइल फ़ोन बना दिया। भाई उसने क्यों बना दिया? उसने बना दिया क्योंकि उसकी इन सब चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी है और आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इन सब चीज़ों को सीख लेंगे तो परेशान होने वाली बात नहीं, और सीख करके आप अपने काउंटर पर बैठ करके ही तसल्ली से रिपेयरिंग करेंगे और आपसे कोई भी फ़ोन आपको वापस नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से सीख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको चलता हूँ कि मैं आपको पीसीबी बोर्ड में आपको इन्हीं ट्रैक का आपको व्यू कराता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे हमारे बोर्ड में दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे मान लिया मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन की प्लेट है, अगर इस प्लेट के पॉइंट्स के अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैक लिखा भी होता है, कई जगह पर ट्रैक नहीं भी लिखा होता है। अगर आप देखेंगे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो ये जो छोटे छोटे से जो गोले बने होते हैं, इन्हीं गोलों को ही हम टिप्स पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे ये जो पॉइंट होता है, ये तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में वी सी एच का पॉइंट है, ये वी बस का पॉइंट है, ये आपके मोबाइल फ़ोन में डी पी डी एम, ये आपके मोबाइल फ़ोन में वी बैट, ये आपके मोबाइल फ़ोन में आई डी, इस तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर ये सारे पॉइंट्स दिए हुए, ये आपके मोबाइल फ़ोन में जी एन डी, तो ये सारे पॉइंट्स आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों को अच्छे से काउंट कर सकते हैं कि ये आपका वी सी एच है, डी पी डी एम है, आई डी का पॉइंट है, वी बैट का पॉइंट है, ये ग्राउंड का पॉइंट है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर, इसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे टिप्स जो होते हैं हमारे मदरबोर्ड में दिखते हैं, तो जिनसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट किसका है। मैं आपको और भी पॉइंट्स के बारे में आपको दिखाता हूँ। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में देखेंगे, ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सिम के सप्लाई के पॉइंट्स दिए हैं। अगर कल को मान लिया आपके मोबाइल फ़ोन में सिम की सप्लाई ख़राब हो जाती, काम नहीं करती, तो आप यहाँ का प्रिंट उखड़ जाता है तो यहाँ से उठा करके आप जम्पर मार देते हो, इसका लाइन ख़राब हो जाता है तो इससे उठा करके यहाँ पर जम्पर जोड़ देते हो। तो इस तरीके से जो भी सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, वो सारे पॉइंट की कनेक्टिविटी यहाँ पर दी है, और आप इनके माध्यम से इनको ट्रैक को देख करके आप इसको जोड़ सकते हो, जिससे इसकी सप्लाई को बना सकते हो। तो ऐसे हमारे मोबाइल फ़ोन में कई सारे अनगिनत पॉइंट्स दिए होते हैं।
जैसे आप देखेंगे ये भी आपके टिप्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये हमारे बोर्ड के अंदर जो छोटे छोटे गोले होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जिनको आप अगर गौर से देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं दिखाई मिलेंगे। ये जो पॉइंट्स दिखाई देते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इसकी भाषा में ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमने ट्रैक के बारे में, ट्रैक को पहचानना सीखा है, ट्रैक के बारे में समझा हुआ है कि बोर्ड के अंदर जो ट्रैक होते हैं उन ट्रैक को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ये ट्रैक को पहचानने का तरीका क्या है। ये जो मैं आपको बनाता हूँ इसको कोई आप आकृति में कोई मेढक ना समझें, ये मोबाइल फ़ोन के अंदर सप्लाई ट्रैक होते हैं, अंदर के कनेक्टिविटी होती है। जब आप अंदर की कनेक्टिविटी इस तरीके से कनेक्टिविटी को समझ जाएंगे, कनेक्टिविटी को सीखेंगे, तो आपको सीखने में, समझने में, काम करने में, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में मास्टर तभी हो पाएंगे। अगर आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में मास्टर बनना है तो आपको ट्रैक के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैंने ट्रैक के बारे में आपको समझाया है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर आप पूरे इन सब चीज़ों के बारे में और पूरा डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं या और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो इस ट्रैक से संबंधित और भी बहुत सारी जो वीडियो हैं जो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं या इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, इससे संबंधित और भी कई सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, उन वीडियो के मैंने लिंक भी डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में देख करके उसके माध्यम से एक एक वीडियो को ओपन करके अच्छे से देख करके समझ सकते हैं और एक बात का चुनाव भी कर सकते हैं कि हमको कानपुर में अगर ट्रेनिंग लेना है, कानपुर में अगर हमको सीखना है तो हम कहां पर जा कर के सीखें, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कहां पर है। और दूसरी बात क्या है, इतना सारा जो मैंने आपको वीडियो मैंने आपको दे रहे हैं, ये वीडियो देने का मतलब ये है कि आप सब चीज़ों को लेकर के माइंड प्रिपेयर हो जाएँ कि ट्रेनिंग का तरीका क्या है या किस तरीके से सिखाया जाता है, किस वे में सिखाया जाता है, जो हम चीज़ को देख रहे हैं ये हमको मदरबोर्ड में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ अगर दिमाग में जो भी डाउट्स होता है वो आप सारी कॉन्फ़िगरेशन को ठीक कर सकते हैं या उनको सीख सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये सागर मार्केट में अपना पड़ता है। सागर मार्केट जो है कानपुर रेलवे स्टेशन का मात्र 200 मीटर दूर पर है। कानपुर रेलवे स्टेशन में अगर आप आ जाएंगे तो उससे 200 मीटर पैदल का डिस्टेंस है, आप आ सकते हैं। ये सागर मार्केट पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन का मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारी मोबाइल फ़ोन की दुकानें हैं। अगर दूर दूर मैं आपको बताऊँ, कहीं को कोई आदमी रहने वाला है, अगर उसका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है तो मुँह उठा करके ठीक कराने जाता है तो सागर मार्केट ही भागता है, क्योंकि अगर वो अपने पास में जाता है, मैं कहता हूँ जैसे आदमी काकादेव का रहने वाला है, कल्याणपुर का रहने वाला है, नौबस्ता का रहने वाला है, अगर उसका भी मोबाइल फ़ोन कल को अगर ख़राब हो जाता है तो उसको मोबाइल फ़ोन ठीक कराना है तो अपने बगल में की दुकान में जाता है, कहता है भैया मेरा मोबाइल फ़ोन में काम्बो टूट गया है, बच्चे ने काम्बो को तोड़ दिया, आप ठीक कर दिए, तो कहता ठीक है फ़ोन छोड़ जाओ, कल मिलेगा, शाम तक मिलेगा। तो उससे कस्टमर अगर सवाल कहता है कि भैया 150 रुपये ज़्यादा ले लो लेकिन अभी करके दे दो, तो वो तो कहता है कि अगर तुमको अभी ठीक करवाना है तो सागर मार्केट चले जाओ, सागर मार्केट चले जाओ, तुरंत हैंड टू हैंड वहाँ बन जाएगा। भाई क्यों हैंड टू हैंड बन जाएगा? उससे सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर होलसेलर, रिटेलर या पूरे मार्केट को सामान देने वाला, पूरे कानपुर को सामान देना, उत्तर प्रदेश में कई जगह पर सामान भेजने वाला, इस तरीके से बहुत सारी दुकानें हैं। तो जब बहुत सारी दुकानें होती तो कस्टमर जब मोबाइल फ़ोन लेकर के आता है तो यहाँ पर कम से कम अगर देखा जाए तो 300 से लेकर कम से कम 500 काउंटर होंगे जहाँ पर सुबह शाम तक सिर्फ मोबाइल फ़ोन ठीक करते हैं। लोग झुक झुक करके ऐसे खड़े होकर के अपने मोबाइल फ़ोन को बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं? क्योंकि आजकल मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी कस्टमर है उसका अगर मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है तो अपना एक दिन के लिए फ़ोन छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जॉब वाला है, कुछ काम ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन के सारे ही चलते हैं, तो उस कंडीशन में मोबाइल फ़ोन को फटाफट मोबाइल फ़ोन को ठीक कराना चाहता है। अगर उसको लगता है कि मैं घंटे भर में आने में लगेगा, घंटे भर जाने में लगेगा, आधा एक घंटा हमको मोबाइल फ़ोन ठीक होने में लगेगा, तो फटाफट अपने आकर के यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को ठीक करवा के चला जाता है, किसी के सहारे अपना मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ता और उसके डाटा इतना प्राइवेसी होता है, शायद उसके चक्कर में भी मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ना चाहता है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए, हम लोग फ्री में फ़िलहाल मोबाइल फ़ोन को बना करके देते हैं, हम नहीं बना कर देते, हमारे स्टूडेंट लोग बना करके देते हैं। जैसे आज हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन था, ओप्पो का मोबाइल फ़ोन था, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर पासवर्ड लगा था, हमसे कह रहा था कितना रुपया लगेगा लॉक खोलने में, हमारे स्टूडेंट ने उसको फ्री में ही लॉक तोड़ दिया। नाजू का मोबाइल फ़ोन था, उसका ग्लास टूटा हुआ था, ग्लास बेकार था, लेकिन स्टूडेंट ने मात्र 40 रुपये में ग्लास बदल दिया। कस्टमर भी है जिसका मोबाइल फ़ोन था वो भी मोबाइल फ़ोन को देख करके खुश हो गया।
एक सनी स्टूडेंट करके है जिसने आज मोबाइल फ़ोन को ग्लास को चेंज किया, और मैं कहना चाहता हूँ कि वो पहले कहीं और ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन बाद में मेरे पास आए और उन्होंने कुछ दिन वहाँ पर क्लास किया। क्लास लेने के बाद आज ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया, और उन्होंने आज जब अपने मन से उन्होंने ग्लास को चेंज किया, उनको शायद 15-17 दिन हो गए क्लास करते करते, तो उन्होंने मेरे पैचों और बोला, बड़े खुशी से बोला कि सर आज मैंने चालू मोबाइल फ़ोन में मैंने ग्लास चेंज किया, मुझे खुद दिल से बड़ा सुकून लगा कि चलिए मैं जो काम सीखने आया था उस काम को मैं सीख पा रहा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे स्टूडेंट को काम करने का मौका मिलता है, तो उनको जब काम करने का मौका मिलता है तो वो खुद अच्छी विशेष देते हैं स्टूडेंट को कि नहीं सर हम आप जो लोग सिखा रहे हो हम सीख भी पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, देखो कहीं भी आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो कोई भी दुनिया जान में ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जो आपके लिए हजारों मोबाइल फ़ोन खरीदे। अगर मोबाइल फ़ोन खरीदता है ना तो वो डेड मोबाइल फ़ोन खरीदता है, वो सिर्फ क्या खरीदता है, सिखाने के नाम पर पीसीबी खरीदता है। क्या खरीदता है? पीसीबी। आपको प्लेट दे देगा कि इस प्लेट का MMC IC निकाल के लगाओ, CPU IC निकाल के लगाओ, इसमें डिस्प्ले लगाओ, इसमें टच लगाओ, सारा मोबाइल फ़ोन डेड। अगर कुछ हैं तो दो चार चालू मोबाइल फ़ोन ले रख रख रहे हैं। लेकिन अगर लाइव के स्टडी सीखना है, लाइव मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग करना सीखना है, तो उसके लिए भैया तुमको सागर मार्केट ही आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर दुनिया जहान से आदमी मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आता है, और आप दुनिया जहान से आदमी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सीखने के लिए भी इकट्ठे होते हैं, तो उनके मोबाइल फ़ोन ठीक होते हैं और आपको सीखने का तरीका भी मिलता है। एक बात और कहते हैं कि अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ का काम सीखना है तो आप उसके गढ़ में ही जाकर सीखो। जब आप उसके गढ़ में जाकर सीखते हो तो वहाँ पर आसपास के दसियों हजार लोग, जितने भी सारे लोग होते हैं, सबका मोटिव एक ही होता है, मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन, और कोई दूसरा मोटिव ही नहीं होता। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ट्रैक चेक करने का तरीका बताया कि किस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ट्रैक्स होते हैं उन ट्रैक को हम लोग पहचानते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, और आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ट्रैक्स होते हैं उनको ट्रैक को मल्टीमीटर के माध्यम से कैसे चेक करते हैं, सीरीज पैरेलल क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में आपको देंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ही जैसे जो और ऐसे लोग हैं जिनको वीडियो मिल सके और वीडियो के माध्यम से देख करके दो चार चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख सकें। आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.